हेलो बच्चों, इस वीडियो में आई विल ट्राई टू सॉल्व आईआईटी जेईई एडवांस क्वेश्चन पेपर इन ए वेरी क्विक मैनर. मतलब रादर देन गिविंग यू ऑल द स्टेप्स, बिकॉज अगर हमें डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग से हमने डाला है, जहां डेढ़ डेढ़ घंटे के सोल्यूशन है. बट यहाँ पे हमारा मेन आइडिया क्या होगा कि हम हर क्वेश्चन की लाइन ऑफ थिंकिंग के बारे में बात करें कि क्या क्या मेरे को सोचना चाहिए था, क्या उसमें देखना चाहिए था. और इसको देख के बच्चे जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो दोबारा एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आई विल ट्राई टू डिस्कस द थिंग्स और शो यू द थिंग्स के ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं. तो इसीलिए हमने इसको नाम लोटा दिया है कि लाइंस ऑफ थिंकिंग एंड एनालिसिस. तो ये उन बच्चों के लिए जो क्विकली पूरा पेपर में एक बार देखना चाहते हैं कि हम कैसे सोचें, क्या चीज़ देखें, क्या चीज़ हमें नोटिस होनी चाहिए थी. इवन ऑप्शंस, मतलब एक तो टेक्निकल नॉलेज हो गई क्वेश्चन से रिलेटेड, एक दूसरा हो गया कि ऑप्शन से भी हमें कहीं कहीं कैसे हेल्प मिल सकता है क्वेश्चन को जल्दी क्रैक करने में. तो दैट वी विल डिस्कस. इतना बोलने के बाद भी कुछ बच्चे जरूर है वो बोले कि मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसे होगा वो कैसे होगा. तो देखो, ये एक डिटेल्ड सोल्यूशन नहीं है. डिटेल्ड सोल्यूशन हमारे ही यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, तो वो सर्च कर सकते हो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें जो पेपर है सिंगल पेपर डेढ़ डेढ़ घंटे में डिस्कशन कर रखा है वो देखें. ये केवल उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा लाइंस ऑफ थिंकिंग एंड जिसे बोलते ना ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं कि क्वेश्चन में क्या देखा क्या पढ़ा उसके लिए है. तो आइए चलते हैं जेईई एडवांस 2023 में जो पेपर बनाया था उसके एनालिसिस करते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है, दो सेट दे रखे हैं एस एंड टी. टी के अंदर केवल चार एलिमेंट है, एस एक कॉन्टिन्यूस सेट है. तो एस से लेके टी में हमें फंक्शन डिफाइन करना है, इसमें केवल चार एलिमेंट है. तो दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ जिसे बोलते हैं ना मैथमेटिकल रीजनिंग, कि कोई ऑप्शन किसी स्टेटमेंट को हम गलत कब बोलते हैं. तो पहला चीज़ तो उसने बोला देयर आर इन्फाइनेटली मेनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी. अब जो एस है वो जीरो से लेके टू तक, ये उसका डोमेन हो गया वन को छोड़ के, और फिर थ्री से लेके फोर तक ये डोमेन हो गया. ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जीरो से वन तक इन्फाइनेट एक्स की वैल्यूज हैं, उसमें किसी को हमने जीरो दे दिया, किसी को वन दे दिया, किसी को टू दे दिया. तो इन्फाइनेट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब हर पॉइंट के लिए चार 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 ऑप्शन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इन्फाइनेट ऑप्शन है. तो उसका मतलब क्या कि पहले वाला सही है. दूसरा, देयर आर इन्फाइनेट मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या, वाई का वैल्यू अलग अलग आना चाहिए, बट वाई का केवल चार ही वैल्यू अवेलेबल है, जबकि यहाँ इन्फाइनेट एक्स के लिए मेरे को इन्फाइनेट डिफरेंट वाई चाहिए होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. तीसरे वाला हो गया, द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120. अब देखो, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कैच है. ये स्टेटमेंट गलत कब होगा, कि जब हम नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस 120 से ज़्यादा दिखा दें तो ये गलत है. तो अगर जो नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो 120 है या उससे कम है या जीरो है तो ये स्टेटमेंट सही है, एंड यू विल फाइंड कि ये सही है. ठीक है, एनालिसिस करके देखना. एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल. अगेन, ये वाला स्टेटमेंट गलत कब होगा, जब मैं एक ऐसा फंक्शन लेके दिखा दूं कि जो कॉन्टिन्यूस तो हो बट डिफरेंशिएबल ना हो, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. अगेन, ये सही है. ठीक है, तो दीज टू एग्जाम, ये वाले जो दो ऑप्शंस थे दे आर वेरी गुड. मतलब इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि ये स्टेटमेंट गलत कब होगा. बहुत सारे बच्चे क्या होगा कि जब वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ढूंढने चलेंगे तो 120 आएगा ही नहीं, तो उन्हें लगता है कि ये ऑप्शन गलत है. ऐसा ही अगर उसे बोलना होता कि नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन 120 है तो सीधा ही बोलता ना एटमोस्ट वर्ड क्यों यूज कर. ठीक है, तो दिस वॉज ए वेरी गुड क्वेश्चन, काफी बच्चों ने इसमें गच्चा खाया. सेकंड क्वेश्चन इज, लेट टी1 एंड टी2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस. एक इलिप्स ऐसे दे रखा है और एक पैराबोला दे रखा है. इनकी जो कॉमन टेंजेंट है सिमेट्री से वो एक्स एक्सिस पे ही कट करेगा. तो जो कॉमन टेंजेंट है उसके लिए हम सी बराबर सी करते हैं. पैराबोला के लिए ए बाई एम हो गया, और इलिप्स के लिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया. यहाँ से एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी. उस क्वाड्रेटिक को जब हम एम स्क्वायर में लिखेंगे तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा, शायद एम स्क्वायर प्लस टू. तो तुक्के से आंसर पता लग जाएगा कि एम स्क्वायर वन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ऑफकोर्स सिमेट्री से अगर एक का स्लोप वन है तो दूसरे का माइनस वन होगा. फिर जो पैराबोला के ऊपर पॉइंट होता है ये, उसको हम a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम लिख सकते हैं. तो इससे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. सिमिलरली इलिप्स के लिए x1 y1 मान के t बराबर 0 लिखा, मतलब x x1 अपॉन a स्क्वायर. ऐसे इक्वेशन लिख के जो यहाँ से m की वैल्यू आएगी उसको वापस y बराबर mx प्लस a बाई एम में रख के ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी. और यहाँ से तो पैराबोला का तो सीधा पॉइंट ये आ जाएगा अगर m हमें पता है. इलिप्स के लिए x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख के कोफिशियंट कंपेयर कर सकते हैं, तो ये पॉइंट पता लग जाएगा. तो उससे क्या होगा कि ये एरिया वगैरह निकल आएगा आराम से. प्रोसीजरल क्वेश्चन है, ये हमें पहली बार में ही होना चाहिए जब हम पेपर को देख रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि उसने जीरो से वन तक एक फंक्शन डिफाइन किया है, विच इज़ दिस. ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जो फंक्शन का ग्राफ है
वो 0 से 1 के बीच में कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, मतलब ऐसे, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन दे रखा है, अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो ये वाला एरिया है ये, ठीक है, अगर फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स एक्सिस और फंक्शन के बीच में ग्राफ आएगा, वो हाफ हो गया। ये पूरा एरिया 1/1 का स्क्वायर है तो ये भी हाफ हो गया, ठीक है। अब उसने इसको ग्रीन एरिया बोला, इसको रेड एरिया बोला, फिर उसने इस तरह की बात किया कि हमने एक लाइन खींचा तो इस लाइन के नीचे जो एरिया ग्रीन एरिया है और इसके ऊपर जो ग्रीन एरिया है वो बराबर है। तो तुम उसको ऐसे देख सकते हो कि एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बोलेंगे ना बराबर है, तो अगर ये वाला एरिया पूरा हाफ है तो बराबर होने का मतलब क्या, आधा आधा हो गया, 1/4 1/4। अब ये 1/4 कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी ये जानने के लिए कि ये कहाँ पे रखा जाएगा, बट ऊपर वाला 1/4 आराम से हो जाएगा क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगल है, तो अगर इसका लेंथ ये 1 है तो ये वाला हाइट 1/4 होना चाहिए, मतलब 3/4 पे जब लाइन खींचेंगे तो आधा आधा एरिया आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ये वाला पॉइंट है उसके नीचे एरिया बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो उसके बाद पढ़ के हम ये ऑप्शंस आंसर कर सकते हैं आराम से कि ऐसा होगा या नहीं होगा। वैसे ये क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है कि जब हम फर्स्ट राउंड में पेपर कर रहे हैं तो फिर बिकॉज क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, जो उल्टी सीधी वैल्यू आएगी, जैसे 0 पे 17/36 आ गया, ऐसे ही 1 पे कुछ आ जाएगा, तो वो जो कैलकुलेशन है वो बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा शुरू में डाउट डाल सकता है। तो इसलिए जब हम फर्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आई शुड से कि इसको हम छोड़ दें, पहले पूरा राउंड लगा के आए, जब डेडलॉक आ जाए तब इस क्वेश्चन को करें। प्रोसीजरल क्वेश्चन है काइंड ऑफ, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें एफ को उसने डिफाइन किया है ऐसे कि 1/(n+1) से 1/(n) तक, जैसे मान लिया n का वैल्यू 4 हो गया, तो 1/5 से 1/4 तक जो फंक्शन की वैल्यू है वो रूट n ही रहेगा। अब देखो इसने x को ऐसे बोला है कि 1/(n+1) से 1/n तक, ठीक है, तो यहाँ से x और n में एक रिलेशन आ गया, यहाँ से भी x और n में एक रिलेशन आ गया, तो यहाँ से अगर मैं n निकालूँ इस रिलेशन से कि n इज ग्रेटर देन दिस, और यहाँ से अगर हम n निकालें n इज लेस देन 1/x, ऐसे ही दिख रहा है, तो जो हमने x के ऊपर ऐसे लिमिट लगा रखा है वो हम n के ऊपर भी लगा सकते हैं x के टर्म्स में, कि एक तो यहाँ 1/x आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे कुछ आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जब ये रिलेशन आ गया तो आई कैन फाइंड के रूट n इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, उससे fx पता लग जाएगा कि fx इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा वो बेसिकली 1/√x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाएगा। अब उसने जो लिमिट बोला है f into g का बोला है एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे। अब देखो इसमें थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट थिंकिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, तो f into g का जो राइट हैंड साइड है वो लिमिट 2 आ जाएगा, ठीक है, जब हम एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 निकालेंगे। तो जो बच्चा स्मार्ट होगा वो आगे से ही प्रिडिक्ट कर सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा होगा। अब देखो यहाँ से अगर मान लिया लिमिट नहीं आया, ठीक है, ये किस तरह का क्वेश्चन होगा, अगर इनइक्वालिटी है किसी भी फंक्शन का जहाँ पे मेरे को फंक्शन एग्जैक्टली नहीं पता है तो 100% उसमें जिसे बोलते हैं ना सैंडविच थ्योरम लग रहा होगा, तो दोनों तरफ लिमिट सेम ही आना चाहिए, तो अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 ही आ रहा होगा, ये ठीक है, वरना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अगर मान लिया इधर लिमिट 3 आ जाए तो मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता कि लिमिट क्या होगा, ठीक है, लिमिट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो ना तो हम ये बोल सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लिया इन्फिनिटी भी आ गया तो भी इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी भी आ गया मान लिया तो माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में तो लिमिट आ ही सकता है ना, आई कैन नॉट से कि डज नॉट एग्जिस्ट, और 2 आ गया तो इक्वल्स टू 1 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो आंसर यही होगा, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्टकट जो मेरा दिमाग में अगर मैंने सोचा, अदरवाइज क्या होगा अगर हम प्रॉपर तरीके से जाएं तो देखो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि अगर x 0 को जा रहा है यहाँ पे ये भी आएगा इनटू f का भी एक जो यहाँ से टर्म आएगा ना f का वो भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर से लेके x तक 1-t/t dt होल डिवाइडेड बाई जो एफ एक्स आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा t/(1-t) मतलब x/(1-x) कुछ ऐसे आ जाएगा जब f को मल्टीप्लाई किया ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो f इंटू जी ये वाला टर्म है। अब देखो x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये तो डेफिनेटली 0 की तरफ जा रहा है, ये बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे 0 से 0 को जा रहा है तो वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है 1-t/t, ये अगर हम 0 की तरफ ले जाएं
तो इसका वैल्यू इन्फानेट की तरफ जाएगा। तो मतलब ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे हो रहा होगा कि इन्फानेट की तरफ जा रहा है। तो अगर हम जीरो से जीरो के बीच में बोले कि एरिया जो है वो जीरो होगा, तो ये बात एज सच गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम जीरो की तरफ शिफ्ट होंगे फंक्शन इन्फानेट की तरफ जा रहा है। तो मतलब इसको मैं ऐसे ही बाई डिफॉल्ट मान नहीं सकता कि ये जीरो को जा रहा हो, अगर हम कम्प्लीटली सोल्यूशन से स्टिक करना चाहे तो फिर इसमें भी मेरे को निकाल के दिखाना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये इंडीड जीरो की तरफ जा रहा है। मतलब आंख बंद करके डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और उसका एक तरीका तो ये है कि इसको हम ऐसे लिख लें, वन माइनस टी अपॉन रूट टी टाइम्स वन माइनस टी डी टी, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं अलग अलग कर दूँ तो टी अपॉन रूट टी माइनस टी, इसकी वैल्यू तो जीरो की तरफ ही जाएगी, और जो दूसरे वाला टर्म है ये, ठीक है, वो अगेन हम साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से साइन इनवर्स वाला फंक्शन आ जाएगा। जस्ट अगर मेरे को पूरा प्रूव करना है तो, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू प्रूव कि ये जीरो की तरफ जाएगा, इसको डायरेक्टली मान नहीं सकते। इस क्वेश्चन में इसेंशियली क्या बोल रखा है कि एक क्यूब है ऐसे करके, और उसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जीरो 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 का मतलब क्या है कि ये हो गया हमारा जीरो जीरो जीरो, ये पॉइंट हो गया हमारा वन वन वन, और बाकी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे आठ कॉम्बिनेशन, तो आठ वर्टिसेस बन गए। तो एक क्यूब बन गया हमारा, जैसे ये वाला हो जाएगा जीरो वन जीरो, तो वन लेंथ का, वन साइड लेंथ का एक क्यूब बन गया। अब इसमें इसने अल्टीमेटली क्या बोला है कि सिक्स फेस डायगनल हो गए, सॉरी सिक्स फेसेस के डायगनल हो गए, तो बारह डायगनल हो गए और चार मेन डायगनल हो गए। अब इसने क्या बोला कि एक मेन डायगनल लिया, ठीक है, और बारह फेस डायगनल लिए, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकाल। अब बारह में से देखो तुम ऐसे काउंट कर सकते हो कि इस वाले डायगनल के इस एंड से तीन फेस जा रहे हैं, तो तीन फेस के जो तीन फेस डायगनल हैं ये तीनों की जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, क्योंकि वो तो इससे पास ही कर गया ये, ठीक है, तो ये तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गया, तो ये तीन चले गए पिक्चर से। ऐसे ही इस वाले फेस से जो तीन फेस डायगनल आएंगे वो चले गए, उनकी भी डिस्टेंस जीरो हो गई। मेरे को तो मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए इन दोनों के बीच, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस चाहिए, हाँ मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। तो इसमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो ही हो गया, ठीक है, तो छह डायगनल तो ऐसे ही चले गए। अब इसके लिए ये जो तीनों फेस हैं वो एक जैसे, तो ये अगर मैंने फेस डायगनल लिया कोई एक जो इससे पास नहीं कर रहा है, उसका डिस्टेंस या दूसरे फेस वाले का या तीसरे फेस वाले का डिस्टेंस बराबर ही हो, तो उसका मतलब क्या है कि मैं कोई भी फेस डायगनल ले सकता हूँ। जैसे तीन इधर बराबर हो गए, तीन इधर बराबर हो गए, तो वो जो छः हैं, मतलब छः तो क्या हुआ कि एक मैंने बॉडी डायगनल लिया, तीन इससे पास करें फेस डायगनल, तीन इससे पास करें, तो उनका डिस्टेंस तो जीरो हो गया। इसके अलावा जो छः हैं वो छः के छः सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो किसी भी एक का जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस है वो निकाल लिया, वो सब बराबर ही होगा। तो मैक्सिमम जैसी कोई चीज़ नहीं है, या तो जीरो होगा या सीधा जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है। तो ये वाला जो लाइन है वो ऑफ कोर्स आर बराबर लैम्डा टाइम्स वन 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 आ गया, क्योंकि ओरिजिन से पास करें, और कोई भी दूसरा ले लिया जैसे ये जीरो जीरो सॉरी वन जीरो जीरो हो गया, और ये वाला फेस हो जाएगा जीरो जीरो वन, तो ये जो लाइन हो गई दूसरी ये हो जाएगा वन जीरो जीरो प्लस लैम्डा टाइम्स दिस माइनस दिस वेक्टर, तो वो कर सकते हैं वन जीरो माइनस वन। इन दोनों के बीच में, ये दोनों स्क्यू लाइंस है, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक पॉइंट लिया, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया ओरिजिन, उन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाया, उस वेक्टर का कॉमन नॉर्मल पे प्रोजेक्शन निकाल लिया। कॉमन नॉर्मल क्या होगा, इसको और इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये तो एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है, आई होप जिसने थ्योरी पढ़ा होगा उसको ये पहले से आता होगा, तो निकालोगे तो बड़े आराम से आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है दिस आई विल से कि हमें फर्स्ट राउंड में ही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या था कि इसने पहली बार तो क्या बोल दिया कि एक्स और वाई दोनों इंटीजर हैं, फिर इनइक्वालिटी दे रखा है, इनइक्वालिटी मतलब कर्व के एक तरफ का रीजन हो गया, ये एलिप्स है जो ऐसे वर्टिकल है क्योंकि वाई के नीचे वाला नंबर बड़ा है, और ये पैराबोला है, ठीक है। एलिप्स में दिस लेस देन वन का मतलब क्या, एलिप्स के अंदर पैराबोला के अंदर, तो मतलब ये रीजन हो गया, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स होगा, बट इसने ये बोल दिया ना कि एक्स और वाई जेड जेड है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, जो एक्स का पॉइंट है, ये तो टू रूट टू तक ही जाएगा, तो इसके बीच में कुछ ही इंटीजर आएंगे वन और टू, सही है। ऐसे ही वाई की वैल्यू भी ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ तक कुछ ही इंटीजर आएंगे, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमारे वो पॉइंट हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट लेने पड़ेंगे, जहाँ पे एक्स और वाई पॉइंट दोनों ही इंटीजर होगा। तो इनमें से हम, अब उसने क्या बोला कि तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए पी की बार, सही है, तो वो नंबर ऑफ जो टोटल पॉइंट होंगे, मान लिया टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स
एन है तो एन सी थ्री, ये तरीका हो गया तीन लेने का. देन द प्रोबेबिलिटी दैट पी क्यू आर फॉर्म ए ट्राइंगल हुज एरिया इज पॉजिटिव इंटीजर. अब जब हम एरिया की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में दो चीज आएगा, एक तो आएगा कि एरिया का कोई फॉर्मूला लगा लें एसओटी की हेल्प से, दूसरा आएगा कि कोऑर्डिनेट से कोई फॉर्मूला लगा लें. कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, हाफ ऑफ, जैसे ये बोलते हैं ना एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, ऐसे करके आ जाएगा. ठीक है, अब ये जो चीज है इसको ओपन कर लिया तो या तो हम बोल सकते हैं कि जो भी यहां पर इंटीजर आ रहे हैं वो नेट इवन आना चाहिए ताकि ये दो कैंसिल हो पाए और एरिया इंटीजर आ पाए. ठीक है, दूसरा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि देखो अगर ये दो लाइन है, ये ठीक है, ये दो ही लाइन आएंगे, एक पॉइंट इनके ऊपर है एक पॉइंट इसके ऊपर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वन है, तो ऑफकोर्स तीनों पॉइंट एक लाइन पे तो नहीं हो सकता अगर ट्राइंगल बनाना है, तो दो पॉइंट हमने यहां से लिया और एक पॉइंट यहां से लिया मान लिया. ठीक है, तो उस ट्राइंगल के लिए ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो हाफ इंटू हाइट वन है तो बेस जो है वो इवन होना चाहिए, तो यहां पे जितने भी पॉइंट अवेलेबल हैं उनमें से दो पॉइंट को हम ऐसे चूज करेंगे कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इवन आए ताकि पूरा एरिया इंटीजर आ जाए, बस डिवाइडेड बाय टोटल आंसर आराम से आ जाएगा. दिस इज आई वुड से के इजी क्वेश्चन है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले राउंड में ही होना चाहिए था. सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है कि लेट पी इज द पॉइंट ऑन दिस पैराबोला एंड नॉर्मल एट पॉइंट पी. तो एक पॉइंट पी लिया गया है और उस पर नॉर्मल खींचा गया है. ठीक है, एक्स एक्सिस को जिसने क्यू पे कट किया है, एफ फोकस है तो ये हो गया. ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो अगर इस पॉइंट को हम मान लिया टी बोल दें तो जो इसका स्लोप है वो माइनस टी हो जाएगा. ये 2a प्लस ए टी स्क्वायर होता है और ये a कॉमा जीरो हो गया, तो इस ट्राइंगल का एरिया आराम से आ जाएगा हाफ इंटू ये जो हाइट है वो 280 हो गया, 280, और ये जो डिस्टेंस है वो हो गया a प्लस ए टी स्क्वायर, दिस इज गिवन एज 120. अब उसने बोला क्या कि स्लोप जो है m वो माइनस टी के बराबर है और a दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है. ठीक है, तो अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो t भी इंटीजर हो गया. ठीक है, बाकी मॉड वॉड लगा देंगे तो मॉड हटा सकते हैं, तो m और t बराबर ही है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये दो दो कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर टी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर 120 के बराबर हो गया. अगर a और t दोनों इंटीजर है तो ये भी इंटीजर हो गया और ये भी इंटीजर हो गया. 120 को फैक्टराइज करेंगे और जो ए स्क्वायर है वो इंटीजर का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से कुछ ही केसेस बनेंगे जिसमें इंटीजर का स्क्वायर बना सकते हैं. जैसे यहाँ से एक तो हम ऐसे ले सकते हैं कि वन स्क्वायर इंटू 120 आ जाए. ठीक है, तो वन स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू वन ले लिया और 120 यहाँ से आ जाए. ठीक है, टी ऑफकोर्स इंटीजर होना चाहिए. फिर दूसरा और कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें चार का फैक्टर भी आ जाएगा, तो ए को अगर हम दो बोलेंगे तो ये फोर स्क्वायर भी हो सकता है और बचा हुआ इधर भी आ जाए. तो कुछ ही केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें इंटीजर आ जाए और ऑप्शन से भी हिंट लग सकता है हमें ये देख के ना कि ए का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो ऑप्शन से उठा उठा के रख लिया कि वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, रादर देन उल्टा सोच, तो थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा. ये जो क्वेश्चन है इसमें देन नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो सॉरी दिस इक्वेशन बहुत सिंपल है. दिस इज रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड कॉस एक्स बराबर टेन इनवर्स टेन एक्स. तो टेन इनवर्स टेन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है और मॉड कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो कॉस एक्स के ग्राफ को ऊपर ले गए तो ऐसे बनता है. तो बस इन दोनों को इस रेंज के अंदर बना के नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट कर लिया. नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लिया, आराम से हो जाएगा. आई विल रेट इट एज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इससे टफ क्वेश्चन तो मेंस में पूछ लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि एफ को जीरो से वन में डिफाइन किया गया है और ये डेफिनेशन है. अब इसमें क्या है कि ये देखो लीनियर है लीनियर है लीनियर है लीनियर है एक्स का. ठीक है, तो ये सभी स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी, तो इतने चार पार्ट में चार लाइन आ जाएंगी. तो ये वाली जो लाइन है ये ऑफकोर्स एक्स का कोफिशियंट नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग लाइन आ जाएगी. तो जीरो रखने पे एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे एन आएगा, तो ये कुछ ऐसे लाइन आ जाएगी. वन अपॉन टू एन रखने पे जीरो आ जाएगा, तो ये पहली लाइन ऐसे. फिर इसमें एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग लाइन डिक्रीजिंग लाइन इंक्रीजिंग लाइन, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, तो ऐसा करने से जो इसने बोला ना कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, ये ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाला जो एरिया आएगा वो बेसिकली ट्राइंगल का एरिया है, तो बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा. उसको चार के बराबर किया तो इसमें अननोन केवल एन ही रहेगा. ये ठीक है, क्योंकि
x बराबर 0 रखने पे ये हाइट n है, तो n ही अननोन रहेगा, उसको इसके बराबर करेंगे तो n आ जाएगा, n को वापस रखेंगे तो देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है फिर, तो फिर देख लेंगे कि इनमें से जो सबसे ऊपर पीक है उसकी वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए, करने के बाद वही मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक नंबर दे रखा है 77, फिर 5 इंट्रोड्यूस किया, फिर डबल 5 इंट्रोड्यूस किया, तो एक तरीका तो यह है, इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है और दो तरह की चीज़ें हैं कि अगर हम स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा वरना काफ़ी लेंदी होगा इसमें। इसमें एक तो ये जो लास्ट वाले 7 हैं इनको अलग कर दिया, तो जैसे 598 बार इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे और यहाँ पे 0 बार, तो ये 99 टर्म्स हैं, तो अगर इन 7 को जो यूनिट प्लेस पे उनको अलग करेंगे तो 7 × 99 आ जाएगा, प्लस जो इधर नंबर है 5, इन 5 को अलग कर लिया, 5 55 तो 5 + 55 प्लस ऐसे करके लास्ट में 5 5 5 98 टाइम्स, तो 5 नहीं आएगा बेसिकली, ये 50 आएगा, तो ये 10th प्लेस पे है तो इसलिए 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो सबसे लेफ्ट में जो 7 है तो वो यहाँ पे 10th प्लेस पे है, अच्छा ये जो 5 है ये एक कम है, ये 98 टर्म्स है क्योंकि पहले वाले में 0 है, तो 7 7 7 ये 10 + 10 स्क्वायर से लेके 10^99 तक ऐसे आएगा। ठीक, ये हो गया हमारा इसका सम। अब ये जो है ऑफकोर्स इसमें 5/9 करो तो 9 + 99 प्लस ऐसे करके ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो सम एस आया ये इसने इससे रिलेट किया है, ये जो नंबर है ये भी इसी तरह का है, इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं, 1 7 इधर हो गया प्लस 5 5 5 5 99 टाइम्स, तो 5 5 5 99 टाइम्स इंटू प्लेस वैल्यू 10 हो गया प्लस 7 × ये हो जाएगा 10^100। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे ये 7 × 10^100 है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये तो वो आ जाएगा 10 × 10^99 -1/10 − 1 × 9, ये ऐसे करके आ जाएगा ये। ठीक है, ये भी और बड़े नंबर है, बट अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें क्योंकि एस बराबर समथिंग अपॉन एन टाइम्स ये लिखा हुआ है, तो देखो ये भी 10^100 आएगा और ये भी नंबर जो है ये भी 10^100 दे रहा है, तो अगर मैं इससे इसको नलीफाई करना चाहूँ तो ये 9 हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लिया ये वाला जो नंबर है इसको एक मिनट के लिए मैंने टी बोल दिया, फिर मैंने 9s - t लिया। ठीक है, तो जो इन सब में सबसे बड़ा नंबर है वो यही है 10^100, तो अगर इसको इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, प्लस उसने ये भी बोला क्या कि ऑफ कोर्स ये छोटे छोटे नंबर्स हैं 3000 से छोटे, तो फिर इस हमने इस पे ध्यान दिया कि 10^100 को नलीफाई कर देते हैं, उससे कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा, मतलब आगे जाके अब सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, तो अल्टीमेटली एस विल बी दिस प्लस टी अपॉन 9, तो ये हमारा एम और एन हो जाएगा, मतलब ये हमारा एन हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, अगर क्लिक करता है तो फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू 77 + 757 प्लस ये जो 5 5 5 5 7 ये हो गया, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एक टर्म शिफ्ट कर दें तो 770 प्लस जैसे करते हैं AGP में, फिर इसको घटा दिया, तो ऐसा करने से भी ये, ठीक है, अब ऐसा करने से भी इधर वही 9s आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे ये सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये ठीक है, लास्ट में केवल एक ये टर्म बनेगा इसका 10 गुना, तो ये जो टर्म है 98 और यहाँ पे जो 99 है उसमें मैग्नीट्यूड वाइज 10 का ही डिफरेंस है, मतलब 10 टाइम्स आसपास है, 10 मतलब 10 गुने के आसपास है, तो जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाए तो ये जो नंबर है ये इस नंबर का 10 गुना के आसपास है, तो इस नंबर से आई विल मेक ये नंबर, इस नंबर को बनाओ, बाकी को अलग कर दो, अपने आप आंसर आ जाएंगे। तो दिस वॉज ए वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, और ये क्लिक करने के ऊपर, ये चीज क्लिक कर जाता बहुत जल्दी सॉल्व होगा, इस कैलकुलेशन में भी ये जो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया ये क्लिक करेगा तो जल्दी सॉल्व होगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली बनाने की कोशिश करेंगे बहुत टाइम लगेगा। दिस क्वेश्चन इज, इसने बोला कि ए हैज एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 - 3 आयोटा कॉस थीटा बराबर एन। इसमें लाइन ऑफ थिंकिंग ये है, अगर कोई बंदा इस नीचे वाले को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा तो बहुत कैलकुलेशन होगा, बट अगर हम नीचे वाले को इधर ले जाएं
तो 1967 प्लस 1686 साइन थीटा इंटू आयोटा बराबर एन टाइम्स 7 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा। अब देखो इसमें अगर बोलेंगे रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसको ऐसे बोल नहीं सकते बाई चांस, क्योंकि ये तो रहेगा तो रियल ही, अगर साइन थीटा जीरो हो जाए तो ये वाला पार्ट चला जाएगा, ये इसका रियल पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ये इसका रियल पार्ट आ जाएगा। ऐसे ही इधर ये रियल पार्ट है और ये भी बाई चांस अगर कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए तो ये इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि अगर साइन थीटा जीरो हो गया तो कॉस थीटा जीरो नहीं होगा, तो इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगी कि इधर तो इमेजिनरी पार्ट नहीं आया इधर आ जाएगा, तो उसका मतलब कि साइन या कॉस में से कोई जीरो नहीं हो सकता। अगर साइन और कॉस में से कोई जीरो नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये इमेजिनरी पार्ट है, ये ठीक है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसका हो गया। रियल पार्ट को बराबर करोगे तो एक लाइन में एन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसने बोल रखा है कि एक ही एन है तो ये शायद 281 आता है तो वो आ जाएगा। बस इतना इजी क्वेश्चन, जो इसको मैनिपुलेट करेगा उसका बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये इसका लाइन ऑफ थिंकिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि पी एक प्लेन है, ठीक है, दूसरा एस उसने बोला कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब उसको दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा गामा एक यूनिट वैक्टर हो गया जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एक हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा अगर ये टिप वाला पॉइंट हो गया तो ये ओरिजिन से वन डिस्टेंस की दूरी पे है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक स्फीयर हो गया। तो अल्फा बीटा गामा इस स्फीयर पे लाई करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस वन है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम प्लेन पी इज 7/2। तो एक ये प्लेन दे रखा है, ठीक है, इसका पहले हमने ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला तो 0 0 0 रखेंगे तो आ जाएगा 16/√ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये हो गया 9 4 13 और 3 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस प्लेन का 4 हो गया, ये पूरा 4 है और ये 1 है, ये 4 है और ये 1 है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि अल्फा बीटा गामा इस स्फीयर की सरफेस पे वो पॉइंट्स हैं, इस स्फीयर की सरफेस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब इसने क्या बोला है कि ये जो अल्फा बीटा गामा है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इज 7/2, तो उनका प्लेन से डिस्टेंस 7/2 मतलब 3.5। तो अगर ये डिस्टेंस 4 है तो यहाँ पे मान लिया कुछ डिस्टेंस हो गया 3.5, ठीक है, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2। तो ये जो स्फीयर को अगर हमने कट किया यहाँ से ऐसे तो एक सर्कुलर चीज आ जाएगी, तो उस सर्किल के ऊपर 3 पॉइंट ऐसे हैं, ये ठीक है, जिनका डिस्टेंस नीचे जो प्लेन है उससे 3.5 के आसपास हो जाएगा, तो इस सर्कल पे 3 पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है कि यू माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस यू, ठीक है, यू वी डब्ल्यू बी द 3 डिस्टिंक्ट वैक्टर इन एस, तो इसके अंदर 3 वैक्टर लेने का मतलब है 3 पॉइंट लिए। अब u माइनस वी का मतलब क्या हो गया, अगर ये u है ये v है ये w है तो ये डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो मतलब स्फीयर के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया सरफेस के ऊपर जिसका डिस्टेंस इस प्लेन से 3.5 है, या फिर इसका डिस्टेंस सेंटर से, ये ठीक है, जो स्फीयर का सेंटर होगा उससे कितना है 1/2। अब ज्योमेट्री लगा के हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप डिटरमाइंड बाय द वेक्टर यू वी डब्ल्यू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ओरिजिन से अगर हमने इनको ऐसे ज्वाइन किया, ओरिजिन से अगर हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, इस प्लेन का डिस्टेंस 1/2 हो गया, तो 1/2, ठीक है, और मतलब यू वी डब्ल्यू ये 3 वेक्टर से एक टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा, उस टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम हम कैसे बोल सकते हैं 1/3 इंटू बेस एरिया। अब बेस एरिया में ये 1/2 है और ये 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा, ये 1 है क्योंकि ओरिजिन से इस सर्कल के हर पॉइंट का डिस्टेंस 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑफकोर्स, ठीक है, मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसमें ये डिस्टेंस निकल आया, ठीक है, पाइथागोरस लगा के यहाँ से ये 1 है ये 1/2 है, तो ऑफकोर्स ये √3/2 हो गया, तो ये √3/2 हो गया, तो ये पूरा परपेंडिकुलर निकल आएगा, ऑल्टीट्यूड निकल आएगा, और अगर साइड लेंथ ए है तो ए कितना हो जाएगा √3/2 times h, उल्टा बोल दिया, h कितना हो जाएगा √3/2 times a, तो यहाँ से
मतलब बेस का साइड लेंथ निकल आएगा ए, तो उसका लिख सकते हैं रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब जो वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रॉन का, अगर तीन को इनिशियल वेक्टर्स हमें पता है यू वी डब्ल्यू, तो वो होता है 1/6 ऑफ बॉक्स यू वी डब्ल्यू, तो ये वही कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, बट इसने पैरेलल पाइप बोला है, पैरेलल पाइप में 1/6 नहीं आता है, मतलब 6 टाइम्स हो जाता है इसका, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आ जाएगा। तो केवल सिंपल ज्योमेट्री से इसका आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो रियल नंबर इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये देखो शॉर्टकट ऐसे मारते हैं, एक्स निकाला तो एक्स रेज टू पावर 4 हो गया, ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस 70/27 बी की पावर 4। अगर एक्स रेज टू पावर 5 चाहिए तो यहां से एक्स रेज टू पावर 9 निकलना चाहिए ताकि वो 4 से डिवाइड होकर 5 बन जाए, तो 9 निकालने के लिए पावर इस पे 3 होना चाहिए क्योंकि सारा एक्स यही है, 3 इस पे है तो 1 इस पे, तो कोफिशियंट हो जाएगा 4c1 a का क्यूब 70/27 बी, ये हो गया कोफिशियंट एक्स रेज टू पावर 5 का। ऐसे ही दूसरे में एक्स रेज टू पावर 5 का निकाल लो, ये ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया तो अपने आप आंसर आ जाएगा, क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए भी नहीं, तो जो भी उसने बोला कि 2b क्या होगा, तो सीधा इसको जब दूसरे कोफिशियंट से बराबर करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाना चाहिए, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है, एक देखो तुक्का ऐसे भी मार सकते हैं, अगर उसने बोला कि वैल्यू ऑफ 2b क्या है, उसका बोला क्या ए नहीं आना चाहिए, इसके अंदर तो ए आ रहा है ना, तो ए नहीं आना चाहिए, तो ए नहीं आना चाहिए उसने, उसका मतलब क्या है कि अगर ये कोफिशियंट होगा और ए नहीं आए तो यहाँ पे भी ए क्यूब आना चाहिए, तो इस पे पावर 3 ही आना चाहिए और इस पे पावर 4 आना चाहिए, अपने आप आंसर मैच होगा, वरना हमें ए की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे भी बोल सकते हैं और थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा बच्चे को कि रियली में ऐसा हो रहा है क्या, तो वही एक्स को कॉमन निकाला फिर कोफिशिएंट कैलकुलेट किया तो अपने आप आ जाएगा। ये एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है जिसको मतलब मेंस में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन ना, तो जैसे तीन प्लेन दे रखे हैं एक्स प्लस 2y प्लस जेड बराबर 7, फिर एक्स प्लस अल्फा जेड बराबर 11 और 2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड बराबर गामा, ऐसे करके, तो जो इसमें यहीं से हिंट मिल रहा है कि ये वाली जो चीज़ है उससे हमारा डेल्टा जीरो हो रहा होगा, तो मतलब डेल्टा कितना हो गया 1, 2, 1, 1, 0 अल्फा 2, -3 बीटा, ये ठीक है, इसको जीरो करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। अब ये जीरो होने का मतलब क्या है कि या तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होगा, ठीक है, दैट यू कैन कैलकुलेट कि देखो ये दोनों प्लेन, जैसे ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ वाई के साथ जीरो है, ऐसे ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, ये दोनों भी पैरेलल नहीं हो सकते, 1/2, 2/-3, तो उसका मतलब क्या है कि जब ये जीरो होगा तो जीरो होने का मतलब क्या है कि या तो ये तीनों प्लेन में से कोई दो पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट प्लेन होगा, या फिर इस तरह की चीज़ बन रही होगी कि तीनों कोएक्सियल प्लेन्स हो गया, या फिर ऐसे, मतलब इसकी पूरी थ्योरी हमने पढ़ा रखी है, वो जाके पढ़ो, तो ये आराम से प्रोसीजरल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही क्वेश्चन आते हैं मेंस में तो खूब क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन डेटा दिस, जिसमें एक्स की वैल्यू ये है, फ्रीक्वेंसी ये, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेंस क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अच्छा, वैसे हम ऑप्शन की तरफ से देखें तो ए ऑप्शन में 3, 3, 3, 2, ठीक है, तो पी का आंसर मोस्ट वाली 3 ही होगा, यही होगा, 6 ही होगा, तभी 3 जगह 11 है, तो ऐसे करके भी हम थोड़ा सा हिंट लगा सकते हैं कि अब ये जो कैलकुलेशन आ गया ये हमारा मोस्ट वाली 6 आ रहा होगा, तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं करती, सारा प्रोसीजर से आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बताने वाली पॉइंट क्या है कि मान लिया मैंने ये कैलकुलेट कर लिया 6 आ गया, ठीक है, फिर मैंने बी कैलकुलेट कर लिया द मीडियन ऑफ द अबव डेटा इज, ठीक है, वो अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5, फिर 8, 10, 11 ऐसे रखना पड़ेगा इनको, ठीक है, फिर मीडियन निकाल लिया, और मीडियन हमारा ऑफ कोर्स अगर ये 3 आया है तो मोस्टली ये 2 ही आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये वापस 3 नहीं आएगा, मोस्ट पर लाइनर सिंह ऐसे ही होगा, तो मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑप्शंस की तरफ देखें कि जैसे ये 3, 3, 3 में मान लिया ये 6 आ गया तो मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन चला गया, ठीक है, जब ये ऑप्शन चला गया अब मेरे को एक और कैलकुलेट करना है, तो मेरे को ऐसे देखना चाहिए कि आर जो है वो तीनों को अलग अलग कर देगा, 4 अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, तो उसका मतलब क्या है कि मीडियन कैलकुलेट करने की बजाय मैं आर कैलकुलेट करूँ,
मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द डेटा. तो फर्स्ट पार्ट से हमारा मीन कैलकुलेट हो गया है, तो मीन डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा. तो इसमें से एक पार्ट कैलकुलेट करते ही मेरे को आंसर पता लग जाएगा, फिर बाकी के जो पार्ट है वो मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है फालतू. और जैसे एस तो मेरे को कैलकुलेट ही नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये तो मेरे को कैलकुलेट ही नहीं करना चाहिए क्योंकि तीनों में पाँच 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 लिखा है. तो ऐसे करके भी हम कैलकुलेशन और टाइम बचा सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज L1 एक ये लाइन हो गया, L2 एक दूसरा लाइन हो गया. इफ x बी द सेट ऑफ ऑल द पेंस ऑल द प्लेन्स h दैट कंटेन्स लाइन L1. तो ये लाइन L1 है तो h इसको कंटेन कर रहा है, तो इसको ऐसे करके इन्फाइनाइट प्लेन्स आ जाएंगे. ये मान लिया एक दूसरी लाइन है ऐसे करके. तो अगर ये दोनों पैरेलल है, मतलब प्लेन अगर इसके पैरेलल हो गया तब तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट अगर इसको हम थोड़ा सा भी घुमाएं इसको, ये ठीक है, प्लेन एच को अगर हम थोड़ा सा घुमाएं तो पक्का इसको इंटरसेक्ट कर जाएगा. ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है कि फॉर प्लेन एच डी एच डिनोट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन एल टू एंड एच. ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर ये पैरेलल है तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा. बट अगर ये पैरेलल नहीं है तो हमेशा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जीरो ही आएगा. ठीक है, तो या तो जीरो आएगा या फिर ये वाला डिस्टेंस आ रहा होगा जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है, अब क्या बोला, लेट एच नॉट बी द प्लेन इन एक्स फॉर विच डी एच नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एच. ठीक है, अब जैसे अगर हमने अलग 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 प्लेन लिए तो सबका वैल्यू जीरो 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 आएगा, बस केवल इसका नॉन जीरो आएगा. तो जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो ऐसे आएगा अलग अलग प्लेन्स के लिए जीरो जीरो जीरो, और एक के लिए बस नॉन जीरो आएगा. तो इनमें से मैक्सिमम तो यही नॉन जीरो हो गया. तो बस इफेक्टिवली क्वेश्चन ये हुआ कि इस लाइन को कंटेन करने वाला एक प्लेन है जो दूसरी लाइन के पैरेलल है. ठीक है, इस प्लेन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है डी एच नॉट, तो आराम से निकल आएगा क्योंकि दोनों लाइन का जो डायरेक्शन है 111 और ये, इन दोनों का क्रॉस ले लो, वो हमारे प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा और इससे पास करा दिया, सॉरी इससे नहीं, इससे R1 को कंटेन कर रहे हैं तो 000 से पास करा दिया, तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाए. ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि जैसे ए ऑप्शन में दो और पाँच है, या तो दो दो है या पाँच पाँच है, मान लिया हमारा दो आ गया. ठीक है, फिर हमने बी ऑप्शन कैलकुलेट किया, तो बी ऑप्शन में देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बस पी और क्यू कैलकुलेट करते ही आंसर आ जाएगा, और कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मतलब क्यू भी कर सकते हो, आर भी कर सकते हो. आर में उसने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एच नॉट, तो ये थोड़ा सा और ईजी पड़ेगा कैलकुलेशन वाइज. तो अगर मैंने ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिया तो इनमें से ये दोनों अगर मान लिया तीन आ भी गया तो ये तो अलग अलग है ना, तो केवल दो कैलकुलेट करके ही आंसर आ जाएगा, चारों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. कुछ बच्चे मैंने देखा कि जबरदस्ती चारों कैलकुलेट करने लग जाते हैं जबकि उनका आंसर पहले आ चुका होता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें. 17 क्वेश्चन क्या है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर मॉड जेड के बारे में ये सब दे रखा है. तो एक तो इसका मेथड वन ऑफकोर्स हो जाएगा कि एक्स प्लस आयोटा वाई रख लो, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो जेड स्क्वायर होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई. तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो ट्वाइस ऑफ टू एक्स वाई, तो फोर एक्स वाई हो गया, और यहाँ से फोर टाइम्स वाई, ये जीरो हो गया, तो यहाँ से वाई जीरो हो जाएगा या फिर एक्स बराबर वन हो जाएगा. ठीक है, अब वाई जीरो होने का मतलब क्या कि प्योरली रियल हो जाएगा. ठीक है, बट इसने क्वेश्चन में कहीं बोला होगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो, तो ये वाला चीज कट हो गया तो एक्स वन हो गया. अब एक्स वन रख लो इसमें, जब रियल पार्ट इसका बराबर करेंगे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद वन प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी. दूसरा ऑफकोर्स इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन में अगर जेड और जेड बार देखें तो हमने क्या किया, इस पूरे का एक बार बार ले लिया, तो मॉड जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा टू जेड बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर जेड, आठ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और घटा दिया. ठीक है, उससे क्या होगा कि जेड क्यूब और एट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक तो जेड माइनस जेड बार कॉमन आ जाएगा और एक दूसरी चीज़ आ जाएगी, वो दूसरी चीज़ बेसिकली जेड प्लस जेड बार माइनस टू ही आएगी. ये जीरो हो नहीं सकता वरना प्योरली रियल हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कि इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं, तो यहाँ से फिर वही एक्स बराबर वन आ गया, तो वो एक ही बात है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है.
जेई एडवांस के पेपर टू की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि एक फंक्शन है ये अब ये उसने दिखाई दिया फॉर ऑल एक्स वन टू इन्फिनिटी, तो इन्फाइनाइट जगह पे ये वाला इक्वेशन है, तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएट कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री एफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स एफ डैश प्लस एफ माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया क्योंकि एफ डैश है और f लीनियरली एडेड है, तो इसको हटा के ये 2 हो जाएगा, तो वही जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करके आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको मतलब हम एडवांस का क्वेश्चन बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, मेन से भी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन रिपीटेडली अंटिल आउटकम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टॉसेस आर सेम, तो जैसे दो सेम आ गए हम रुक गए। इफ द प्रॉबिलिटी ऑफ रैंडम टॉसिंग, मतलब एक बार में हेड आने की प्रॉबिलिटी 1/3 है टॉस में, टेल आने की प्रॉबिलिटी ऑफकोर्स 2/3, देन द प्रॉबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड, तो या तो दो कॉन्जिक्यूटिव हेड आया होगा तब रुका होगा या दो कॉन्जिक्यूटिव टेल आया होगा तब रुका होगा, तो इसने बोला कि हेड आएगा उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, तो ऑफकोर्स या तो पहली बार ही दोनों हेड आ गए तो रुक जाएगा, या तीन बार में रुका होगा, मतलब कितनी बार सिक्का उछालने पर रुका होगा, या तो दो बार, दो तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए अगर दो कॉन्जिक्यूटिव सेम आने पर रुक रहा है, तीन बार में अगर ये एच आया है तो यहाँ एच नहीं आ सकता वरना तो यहीं रुक गया होता, तो ये टी ही आएगा, ठीक है। मतलब अब हम क्या करेंगे, तीन बार में रुका होगा तो ऐसे, चार बार में रुका होगा तो इस पर रुकेगा, पाँच बार में रुका होगा तो एच एच टी एच टी, ठीक है, ऐसे करके दो इनफाइनाइट सीरीज बन जाएंगी, इनको अलग निकाल सकते हैं और इस सीरीज को अलग निकाल सकते हैं, दो इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। इस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में एच और टी मतलब 1/3 इंटू 2/3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही आर का एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर वही चीज़ है कि ये इसमें तो जो बेस में आएगा वो ऐसा आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2/3, ये कितना हो गया 2/9, तो 2/9 इंटू 1/3 का स्क्वायर इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर अगले वाला आ जाएगा 2/9 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, प्लस जो ये दूसरी वाली सीरीज आ रहा है इसमें 1/3 1/3 2/3 मतलब 2/27 आ गया, तो ये जो बेस है वो हो जाएगा 2/27, हाँ प्लस 2/9 × 2/27, हाँ प्लस 2/9 का स्क्वायर इंटू 2/27, ऐसे करके दूसरे इन्फाइनाइट सीरीज आएगी, इनको जोड़ लो आंसर आ जाए, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉट इनवर्स टैन इनवर्स ऐसे ही होता है, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, अब इस इक्वेशन में देखने वाली चीज क्या है कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, बट मतलब अगर साइन इनवर्स 1/x लिखा है तो उसको तो हम आंख बंद करके कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं डोमेन के अंदर, टैन इनवर्स में पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसने बोला कि मॉड y 3 से छोटा है तो ये चीज़ पॉजिटिव हो गई, y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है क्योंकि मॉड y 3 से छोटा होने का मतलब क्या है कि y -3 और 3 के बीच में, तो ये तो नेगेटिव साइड में ऑफकोर्स एंड जीरो नहीं है ये, ठीक है, जीरो तो अपॉन में y लिखा है तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो नेगेटिव को अलग कर दिया, तो y अगर -3 से 0 में है तो फिर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो cot इनवर्स ये ठीक है 1/α को हम क्या लिख सकते हैं पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा, और अगर पॉजिटिव है तो cot इनवर्स 1/α सीधा सीधा tan इनवर्स अल्फा हो जाएगा, तो y अगर 0 से 3 के बीच में है तब तो ये सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स 6y/9 - y² प्लस tan इनवर्स 6y/9 - y² बराबर 2π/3, तो ये डबल हो गया, तो tan इनवर्स 6y/9 - y² हो गया π/3, तो ऑफकोर्स 6y/9 - π² हो जाएगा 10π/3√3। इसको सॉल्व करके एक केस के अंदर इंटरसेक्शन लेते हैं, ये केस 2 हो गया, दो केसेस के बीच में यूनियन लेते हैं, तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा आराम से। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू आर एस, ये चार पॉइंट दे रखे हैं ये, ठीक है, पी ए हो गया, क्यू हो गया, सी आर हो गया और डी पी क्यू आर एस हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे बचा सकते हैं, उसने बोला कि द पॉइंट पी क्यू आर एस आर नॉट कोप्लेनर, ठीक है, अब ये कोप्लेनर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता,
अगर ये चार पॉइंट कोप्लेनर हैं तो एक पॉइंट से हम बाकी तीन को ज्वाइन कर लें, ये ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं तो ये तीन वेक्टर भी कोप्लेनर होगा। तो पहले वाले पार्ट को चेक करने का तरीका तो ये है कि हम ए को घटा लें, बी में से, सी में से और डी में से ए को घटा लें, तो बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, तीन वेक्टर बन जाएंगे, उनका बॉक्स चेक कर लिया तो पता लग जाएगा कोप्लेनर है या नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि बी और सी में उसने बोला कि बी प्लस टू डी अपॉन थ्री, बी प्लस टू डी अपॉन थ्री इज पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स पी आर, ये दोनों एक जैसे ही, बस इसमें एक जगह इंटरनली बोला है, एक जगह एक्सटर्नली बोला है, ठीक है। तो अगर मान लिया बी प्लस टू डी, ये जो वैक्टर आएगा वो तो बी और डी के प्लेन में ही आएगा, सही है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये तो बी और डी को डिवाइड करने वाला हो जाएगा 2:1 की रेशो में, ठीक है। अगर ये पी आर को भी डिवाइड कर दे, एक्सटर्नली कर दे भले ही इंटरनली कर दे, तो ये चारों पॉइंट अपने आप कोप्लेनर हो जाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमने यही कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया और पी आर को इंटरनली 5:4 की रेशो में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा तो हमें तुरंत पता लग जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर हुआ तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम इज दिस 3x3 मैट्रिक्स ए आई जे वन, अगर जे प्लस वन इज डिविजिबल बाई आई, मतलब जो रो नंबर है दैट मस्ट डिवाइड कॉलम नंबर जो है उससे एक ज्यादा वाला जो नंबर है, ठीक है, तब तो वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि पहली रो देख लिया एम को लिखने के लिए, पहली रो, पहली रो में आई वन है, अब वन तो सभी को डिवाइड करेगा, तो जे चाहे कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट कॉलम हो, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, ये तो वन 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 आ गए। फिर हमने देखा कि आई अगर टू है तो जे का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, वन से लेके थ्री तक, जे कहां से कहां तक, वन से थ्री तक, तो जे प्लस वन कहां से कहां तक जा सकता है, दो से लेके चार तक, तो दो तीन चार हो सकता है, तो ये दो किसको डिवाइड करेगा, दो को और चार को, दोनों को डिवाइड करेगा, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम में तो वन वन आएगा, बाकी जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे अगर आई की वैल्यू तीन हो गई तो जे प्लस वन की वैल्यू केवल इस तीन को डिवाइड करेगा, उसका मतलब क्या है, केवल जो कॉलम टू का जो एलिमेंट है वो वन होगा, बाकी ये जीरो जीरो, बस ये आ गया। तो एम हमारा ये मैट्रिक्स आ गया, तो एम इज इन्वर्टिबल। थर्ड रो जो है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो वन इंटू वन, वन इंटू वन जीरो आ जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि मॉड एम तो जीरो आ रहा है, तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। देर एग्जिस्ट ए नॉन, देर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम ए वन ए टू ए थ्री सच दैट दिस बराबर दिस, तो m की जगह अगर हमने ये रखा a1, a2, a3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर माइनस a1, तो वो 2a1 जीरो ऐसे कर लिया। फिर जब a1, a2, a3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a1 प्लस a3 बराबर माइनस a2, उसको इधर लाएंगे तो ये प्लस a2 बराबर जीरो, मतलब इसको जब बराबर किया एक एक इक्वेशन को तो दूसरी इक्वेशन ये बनेगी। तीसरी जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल a2 आएगा और इधर से a3, तो a2 प्लस a3 बराबर जीरो, तो a2 प्लस a3 जीरो यहाँ पे रखा तो a1 जीरो आ गया और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो a1 जीरो हो गया, a2 प्लस a3 जीरो हो गया। तो अगर मान लिया मैंने इसको दो लिया, इसको माइनस दो लिया, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, तो नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। जीरो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब तो ये होता है कि तीनों जीरो 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 होते, पर यहाँ पे तो 0, 2, -2 भी चल जाएगा, तो ये वाला सही हो गया, ठीक है। अब सेम चीज़ उसने यहाँ पे बोला कि ये जो सेट है कि m इंटू एक्स नल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है, x ऑफ कोर्स क्या है, 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो m हो गया 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, और ये 3x3 का मैट्रिक्स मान लिया x1, x2, x3, ऐसे ही तीसरा आ जाएगा, ऐसे ही तीसरा, दिस इज अगर ये नल मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगा कि x1, x2, x3 से पहले तीनों को मल्टीप्लाई किया और 0, 0, 0 के बराबर किया, तो वहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 जीरो होना चाहिए, फिर यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x3 जीरो होना चाहिए, और ये ऐसे था, यहाँ से आ जाएगा कि x2 जीरो होना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये सेटिस्फाई हो जाएगा अगर x2 जीरो हो जाए,
और x1 प्लस x3 जीरो हो जाए, तो मतलब फर्स्ट कॉलम में अगर मान लिया मैं ऐसे रख दूँ 3 0 -3, तो फर्स्ट कॉलम की तरफ से सेटिस्फाई हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम में अंतर क्या होगा, x1 x2 इक्वेशन तो एक्जैक्टली ऐसे ही बनेंगी, बस x1 x2 x3 की जगह कुछ और लिखा होगा x4 x5 x6, तो जीरो होना जरूरी नहीं है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि केवल नल मैट्रिक्स ही आएगा इसके अंदर, इसके अंदर और भी मैट्रिसेस आ जाएंगे विच आर नॉन नल मैट्रिक्स, जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा होगा, तो ये भी सही है। द मैट्रिक्स m माइनस 2i इज इन्वर्टिबल, तो m मैट्रिक्स तो ये है, इसमें से 2i घटाएंगे तो एक आराम से मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका मॉड देख लिया कि वो जीरो है या नहीं, तो ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f 0 से 1 में डिफाइन किया गया और ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें अंदर जब भी इंटीजर आएगा, मतलब जब भी 4x इंटीजर होगा या फिर जब भी x इंटीजर बाई 4 होगा, तो डोमेन अगर 0 से 1 तक दे रखा है तो चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर बाई 4 का मतलब क्या है कि 1/4, हाफ, 3/4, इन जगह पे ये डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। बट हर जगह पे इसका LHL, RHL और फंक्शन वैल्यू सेटिस्फाई होगा, मतलब आएगा, वो अलग अलग होगा इसलिए डिसकॉन्टीन्यूअस होगा ये वाला टर्म। तो इसको देखो कॉन्टीन्यूटी के, कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी की बात की जा रही है, तो कॉन्टीन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो हम ये बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन है इसको एक मिनट के लिए मैंने जी बोल दिया और इसको एच बोल दिया, ये कॉन्टीन्यूअस भी है और डिफ्रेंशिएबल भी है, ठीक है। ये डेफिनेटली इन तीन पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, बट 1/4 पे और हाफ पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसका LHL, RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों भले ही अलग अलग हो या फिर दो सेम हो गया और एक अलग हो गया, ये तीनों को 0 0 0 कर देगा तो कॉन्टीन्यूअस बना देगा, तो ये 1/4 और हाफ पे तो बचा लेगा, 3/4 पे नहीं बचा पाएगा, 3/4 पे नहीं बचा पाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई, ठीक है। देन देयर इज एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन फंक्शन विद इट इज कॉन्टीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, सही है। अब देखो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 4x इंटू एक्स माइनस हाफ, सही है। अगर हम इसको जैसे ये फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी तो तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि जैसे हमने एक मिनट के लिए इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसको अलग फंक्शन मान लिया और इसको अलग फंक्शन मान लिया, ठीक है। तो जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये गायब हो जाएगा, फिर जब हमने हाफ रखा तो ये तो अलग अलग वैल्यू देगा हाफ पे, तो हाफ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट 1/4 पे क्या होगा कि 1/4 पे अगर मैं इसको अलग फंक्शन मानूं और बचे हुए को अलग फंक्शन मानूं, तो भले ही इसको डिफरेंशिएट करो तब भी एक्स माइनस 1/4 उसके अंदर रहेगा, और एफ इंटू जी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे आता है ना एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, और जब ये डिफरेंशिएट नहीं होगा तब भी ये रहेगा, तो 1/4 पे इट विल रिमेन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट वेयर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो दैट इज 1/4, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये जो स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा कि ये कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों रहेगा, ये x माइनस हाफ होने की वजह से क्या होगा कॉन्टीन्यूअस तो हो जाएगा बट डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा हाफ पे, बस इस बात का ध्यान रखें। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f इज माइनस दिस, तो वो तो बेसिकली इन अलग अलग इंटरवल्स में हम यहाँ से फंक्शन निकाल के उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f फ्रॉम r टू r सच दैट सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये तो कॉन्केविटी पॉजिटिव है, ठीक है, फॉर ऑल x माइनस 1 to 1। तो उसने ये बोला कि एक फंक्शन है जो माइनस 1 से 1 में उसकी कॉन्केविटी पॉजिटिव है, मतलब ऐसे है। लेट एक्स एफ बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन माइनस 1 एंड फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू x, तो एक y बराबर x लाइन जा रही है, ठीक है। तो उसको हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गई, ये ठीक है, ये x माइनस 1 है, यहाँ से यहाँ तक गई, और ये फंक्शन है हमारा, फंक्शन के बारे में और कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसमें तो हमें जैसे बोलते हैं कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल हम विजुअलाइजेशन से आंसर बता सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन है सच दैट एक्स एफ बराबर 0, बिल्कुल अगर मैं इस फंक्शन को नीचे ऐसे खींच लूँ तो ये भी कॉनकेव अपवर्ड है और ये इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो ये सही है। फॉर एवरी फंक्शन एफ वी हैव नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन और इक्वल टू 2, विच इज परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन कॉनकेव अपवर्ड कर्व को 2 से ज़्यादा बार कट ही नहीं कर सकता।
तो अगर कॉनकेव अपवर्ड कर्व है तो ये सही है। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन सच दैट एक्स एफ इज इक्वल टू टू, तो वो ऐसे करके एक फंक्शन आ जाएगा जो एग्जैक्टली दो जगह कर रहा है, ये भी सही है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ इन एक्स सच दैट एक्स एफ बराबर वन, ये गलत है। जैसे हमने ये वाला जो फंक्शन बनाया ये एग्जैक्टली एक ही बार कट कर रहा है तो ये गलत है। ऐसा फंक्शन भी मिल जाएगा जो एग्जैक्टली एक बार कट करेगा। तो बस हो गया सॉल्व, वेरी इजी क्वेश्चन। ये हो गया एक टैन इनवर्स फंक्शन देखा, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, ये ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो ऐसा है कि जो हम चुटकी बजाते ही विदाउट कुछ किए हुए आंसर सीधे बता सकते हैं, कैसे कि x tan इनवर्स x, ये ठीक है, इसमें x की जगह माइनस x रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा फंक्शन है इसमें x की जगह माइनस x रखने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जो राइट में ग्राफ आएगा उसी का रिफ्लेक्शन लेफ्ट में आएगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीरो से जैसे कहाँ तक गए हैं हम आर में, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी में जो मिनिमम वैल्यू आएगा राइट पे वही लेफ्ट पे आएगा, तो लेफ्ट पे देखने की हमें जरूरत नहीं है। अब अगर हम फंक्शन की तरफ देखें, वन प्लस टी रेस्ट टू, जीरो से इन्फिनिटी की बात चलिए, ये पॉजिटिव फंक्शन है, ई रेस्ट पर एनीथिंग विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव फंक्शन है तो ग्राफ इसका एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा और जो इंटीग्रल है वो एरिया देता है, तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ज़्यादा ही एरिया कैलकुलेट होगा, ज़्यादा एरिया पॉजिटिव एरिया ऐड होगा, तो मतलब ये फंक्शन सीधा सीधा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि एक्स बढ़ाने पे ज़्यादा एरिया बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ती जा रही, तो मिनिमम वैल्यू एफ जीरो हो गई विच इज़ जीरो। तो अगर मैंने जीरो रख दिया तो जीरो से जीरो तक का इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो एफ जीरो कितना हो गया, सिंपली जीरो, तो यही मिनिमम वैल्यू हो गई। तो एडवांस में इतने ईजी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ज़बरदस्ती करना चाहें तो डिफ्रेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स निकालो, वो आगे जाके प्रूव हो जाएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो अगर ये बीच में प्लस होता तो इसका डेरिवेटिव ये 2x हो जाता और y का डेरिवेटिव इधर हो जाता, बट ऐसा तो नहीं है, बीच में माइनस है, बट बीच में माइनस है तो हम ऐसे देख सकते हैं 1 ओवर x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, और ये भी हमें हिंट दे रहा है। तो अगर मैं सीधा इससे डिवाइड कर दूं तो यहां तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy by dx, इधर आ जाएगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू वाई। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव ये है, y का डेरिवेटिव ये, अगर ये हमने ऑब्जर्व कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड सीधा इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे माइनस 2x है, उसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस c, बस यही फंक्शन हो गया ये, ठीक है। वाई टू 7 दे रखा है तो x बराबर 2 रखने पे y बराबर 7 है, तो c आ जाएगा, आगे आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो वैसे भी हो जाएगा, बट ये छोटा सा जो ऑब्जर्वेशन है इट कैन हेल्प यू कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन वेरी फास्ट। 10th क्वेश्चन क्या, लेट x बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग दिस, ये ठीक है, केवल यही डिजिट यूज करने हैं गिविन दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो मतलब हमें इस बात की प्रॉबिलिटी निकालनी है कि मल्टीपल ऑफ 20 है गिवन ये 5 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है कि लास्ट में जीरो ही रहना चाहिए, ठीक है। तो जो 4 डिजिट नंबर हैं उसमें ये लास्ट में तो जीरो ही आ गया नीचे टोटल कैलकुलेट करने के लिए, और इधर जो 3 डिजिट हैं, सॉरी 5 डिजिट का नंबर चाहिए, तो इधर 4 डिजिट कहाँ से आएंगे, 1 2 2 2 4 4। तो आप केसेस बना सकते हैं कि 3 अलाइक 1 डिफरेंट, या फिर 2 अलाइक 2 अलाइक, तो ऐसे हो सकता है 2 2 आ जाए 2 4 आ जाए, ऐसे करके केसेस बना के गिन लेंगे टोटल, ठीक है। 20 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि 5 इंटू 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड होने के लिए तो लास्ट में 0 ही आना चाहिए, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो लास्ट में 20 आ सकता है, 40 आ सकता है, 10 आ सकता है, तो 10 नहीं आ सकता, 10 नहीं आना चाहिए, तो 40 और 20 चल जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि लास्ट में हमने 10 रख लिया, मान लिया, ठीक है, 10 रख के यहाँ पे काउंट कर लिया, जितने भी आए वो टोटल में से घटा दिया, तो जो 4 से डिविजिबल नहीं है वो तो ये काउंट हो गए, जब टोटल में से घटाया इसमें से तो जो 4 से डिविजिबल हैं, जो 4 से डिविजिबल हैं वो काउंट हो गए, 5 से डिविजिबल तो है ही,
तो मान लिया ये टोटल नंबर x आ रहा है, ये टोटल नंबर y आ रहा है, तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x माइनस वाई अपॉन एक्स। सिंपल सिंपल प्रॉबिलिटी का। ओके, लेट ए वन ए टू अदर वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस टू। तो इसमें ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं कि सर्किल टू है और ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है। तो हम इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि ए वन को कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते हैं कि हमने मान लिया टू, ठीक है, ये पाई बाई फोर है, तो इसी वेक्टर को अगर हम पाई बाई फोर से घुमा दें तो ये हो जाएगा टू इंटू ई रेस्ट पर आयोटा पाई बाई फोर। तो ए टू हो जाएगा टू इंटू ई रेस्ट पर आयोटा पाई बाई फोर, ठीक है। अब उसने ऐसे करके फिर ए थ्री भी आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है, वो आ जाएगा टू इंटू ई रेस्ट पर आयोटा पाई बाई टू। ए थ्री आ गया, फिर ए फोर आ जाएगा टू इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थ्री पाई बाई फोर, ऐसे करके आठ आ जाएंगे, ठीक है। उसमें हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं बेसिकली, ये ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि पी वेरीज ओवर ए सर्किल, पी इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर अगर हमने कोई भी एक जनरल पॉइंट लिया पी, ठीक है, पी अगर हमने कोई भी एक जनरल पॉइंट लिया तो उसको ले सकते हैं टू इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा, ठीक है। तो पी ए वन क्या हो जाएगा वैक्टर मेथड से, अगर ये पी है तो मतलब पी ए वन मतलब टू माइनस टू इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा का मॉड, विच इज टू इंटू वन माइनस ई रेस्ट पर आयोटा थीटा, ठीक है। मतलब अगर मैं जनरल ले लूँ कि पी ए आई ले लें तो यहाँ पे टू इंटू ई रेस्ट पर आयोटा कुछ भी मान लिया अल्फा बोल दिया, अल्फा इनमें से कोई भी एक एंगल हो सकता है। तो अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज टू इंटू ई रेस्ट पर आयोटा अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर हो गया वन माइनस ई रेस्ट पर आयोटा थीटा माइनस अल्फा। अब ये जो मॉड है ये तो वन हो जाएगा मॉड, तो बाहर टू आ गया, और ये जो मॉड है वो हो जाता है टू साइन एंगल का आधा बाई टू, ऐसे, ठीक है। अब इसमें बारी बारी से अल्फा का वैल्यू एक बार जीरो रख लिया, पाई बाई फोर रख लिया, ऐसे करके रख लिया, इनको कैलकुलेट कर लो तो वो आराम से दिख जाएगा कि हमें मैक्सिमम कितना वैल्यू आएगा। ओके, आर एक मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री का, जिसके अंदर जो ए बी सी डी हैं, मतलब ये अननोन है ए बी सी डी, इनकी वैल्यू यही हो सकती है। देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब मॉड जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, मॉड। अब मॉड में तीन में दो दो जीरो हैं, तो इसी के रेस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर लिया तो फाइव टाइम्स, ठीक है, ये आ जाएगा बी सी माइनस ए डी, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जीरो कैसे हो सकता है, या तो ये दोनों बराबर हो जाए, ये ठीक है, या उल्टा बोल सकते हैं कि टोटल कैलकुलेट कर लिया, उसमें से ये घटा दिया कि ये जीरो कब है, ए इंटू डी, ये दोनों बराबर कब है, ठीक है। तो अगर मान लिया बी और सी में से एग्जैक्टली एक जीरो हो जाए, तो मान लिया बी जीरो हो गया, तो सी के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, तीन और तीन छः और एक सात ऑप्शन, ठीक है। तो फिर इन दोनों में से भी एग्जैक्टली एक को जीरो होना पड़ेगा या दोनों को जीरो होना पड़ेगा, ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे बी और सी मान लिया बराबर हो गए, दोनों ही तीन हो गए, तो ये नौ होगा, तो आगे कहीं नौ है ही नहीं, तो इन दोनों को भी तीन तीन होना पड़ेगा, इस तरीके से आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर ये डिस्टिंक्ट नंबर हो गए, तीन हो गया और पाँच हो गया, तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये सारे नंबर जो उसने रखे हैं तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस, ये प्राइम ले रखे हैं। तो प्राइम लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे तीन इंटू पाँच पंद्रह अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पंद्रह इंटू समथिंग ऐसे करके आ जाए, पंद्रह इंटू वन करके आ जाए। अगर इधर तीन पाँच है तो इधर भी तीन और पाँच ही होगा, तो इधर तीन और पाँच लेने के कितने ऑप्शन हो जाएंगे कि या तो ये तीन हो जाए ये तीन हो जाए, तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, ऐसे इधर भी दो ऑप्शन हो जाएंगे, ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, तो आराम से काउंट हो जाएगा। पीएनसी का सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सर्किल है वन रेडियस का जिसका सेंटर ओरिजिन है सी टू, एक दूसरा है आर रेडियस का विद सेंटर एट फोर कॉमा वन, इसका सेंटर फोर कॉमा वन है और रेडियस आर है, इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस वन है। फिर इसने बोला कि इसकी दो डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट है, वो कोई भी कॉमन टेंजेंट हो, एक है PQ और एक है
PQ एंड ST, मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ PQ, तो इसका मिड पॉइंट M1 हो गया, इसका मिड पॉइंट M2 हो गया। तो कॉमन टेंजेंट के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है, तो ये मिड पॉइंट है, तो मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये हमारे लिए रेडिकल एक्सिस है। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, S1 - S2 = 0। तो इसके अंदर R जो है वो अननोन है, तो बाकी सब नोन है, R अननोन है। बस इसने क्या बोला है कि एक्स एक्सिस एट पॉइंट B एंड AB = √5, R का वैल्यू 1 और 3 दे रखा है। ओके, तो ये मतलब एक्स एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो मान लिया कुछ α, 0 है, और इसका A से डिस्टेंस √5 है, तो ये पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इससे इस लाइन को पास करा दिया, तो हमें R की वैल्यू पता लग जाएगी। अच्छा, इससे जो √5 पे पॉइंट होंगे वो दो ऐसे पॉइंट होंगे, दोनों में से एक चीज़ रिजेक्ट हो रहा होगा डेफिनेटली ये वाला चीज़ यूज़ करके, तभी उसने बोला कि 1 और 3 के बीच में। तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC इन विच डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, मान लिया A लार्जेस्ट है, B ये है और C, तो मान लिया A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है, तो इसको बोल सकते हैं π/2 + C। ये C हो गया और ये B हो गया, तो एक तो ये दे रखा है, एंड हुज साइड्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऑफकोर्स जो एंगल बड़ा होगा उसकी साइड भी बड़ी होगी, तो बीच में अगर बी है तो साइड बी भी बीच में होगी A + C। इसको देखो, अगर साइन में कन्वर्ट करें तो ये sin A + sin C हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin A + C/2 cos A - C/2, और ये हो जाएगा sin B / 2 cos B / 2। cos B / 2 और sin A + C/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ A - C π/2 है, तो यहाँ से हमारा sin B/2 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, sin B/2 कैलकुलेट हो जाएगा, तो cos B/2 भी ट्राइंगल बना के कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से sin B कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, सपोज दैट वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल लाइज ऑन द सर्किल ऑफ radius 1, तो उसका ना क्या R1 दे रखा है। साइन बी आ गया और आर आ गया, तो b आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली SOT का क्वेश्चन है, जबकि SOT इन्होंने सिलेबस मेंशन कर नहीं रखा था, फिर भी फिर हमने YouTube लेक्चर में बता रखा है कि जब भी डिफरेंस ऑफ एंगल आए तो हमारे दिमाग में ये वाला चीज आना चाहिए, tan A - B/2। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एंगल का मतलब क्या है, ए और सी की बात कर रहा है, तो A - C/2 = A - C / A + C (cot B/2। अब देखो, हमें cot B/2 पता है क्योंकि sin B/2 ट्राइंगल बना के पता लग जाएगा, ये पता है। ठीक है, A + C, अगर B की वैल्यू पता लग गई तो उसको यहाँ पे रखेंगे, तो A + C पता लग गया, तो A - C भी पता लग गया। अब अगर A - C और A + C दोनों ही पता है, तो A और C इंडिविजुअली निकल आया, तो मतलब तीनों साइड पता लग गया। अब तीनों साइड पता लग गया तो फिर एरिया आराम से आ जाएगा ABC/4R करके, तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा ABC/4R। एरिया आ गया तो इन रेडियस (Δ/S) करके आराम से कैलकुलेट। नेक्स्ट इज कंसीडर 6x6 का स्क्वायर, जिसमें A1 से लेके A49 तक, मतलब ये A1, A2, A3, 4, 5, 6, A7, ऐसे करके ये A49 तक पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, इन सम ऑर्डर वी से द AI एंड AJ आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट। तो जैसे ये दोनों एडजेसेंट हैं तो फ्रेंड है, रो के अलोंग, या फिर ये दोनों कॉलम के अलोंग एडजेसेंट है तो ये भी फ्रेंड है। ठीक है, लेट PI बी द प्रॉबिलिटी दैट रैंडमली चोजन पॉइंट हैज आई मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, आई की वैल्यू 0 से लेके 4 तक। अब देखो, अगर हम केवल कॉर्नर वालों की बात करें, इसके केवल 2 फ्रेंड हैं, ये 2, तो इन 4 पॉइंट्स के 2-2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फिर अगर हम बाउंड्री की बात करें, तो इन कोने वाले 4 पॉइंट को छोड़ के अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो इसके 3 फ्रेंड्स आ जाएंगे हमेशा, इसके भी तीन। तो जैसे 5 यहाँ पॉइंट हैं, तो 20 पॉइंट ऐसे हो गए,
तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ये ठीक है, चार पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिनके दो दो फ्रेंड्स हैं, 20 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके तीन तीन फ्रेंड्स हैं, तो बाउंड्री खत्म हो गई, बाउंड्री पे सब कैलकुलेट हो गए। अब अंदर अगर किसी भी पॉइंट पे आ जाओ तो उसके हमेशा चार ही फ्रेंड होंगे, ठीक है। तो कितने पॉइंट खत्म हो चुके हैं अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, तो अंदर ये 25 पॉइंट आ गए ऐसे जिसमें सभी के चार चार फ्रेंड्स हैं। इनके अलावा अब कोई पॉइंट ही नहीं बचे, यही पूरे 49 हो गए। तो जीरो फ्रेंड और एक फ्रेंड, ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, ऐसे जीरो पॉइंट्स हैं जिनके जीरो फ्रेंड है और एक फ्रेंड है, ठीक है। अब ये इसने एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला है और ये सब दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/49, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, दो नंबर ऑफ पॉइंट्स है और चार पॉइंट्स हैं, तो 4/49, ये हो गया 20/49 एंड 25/49, ये होगी प्रॉबिलिटी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है कि दो को इससे मल्टीप्लाई किया, तीन को इससे मल्टीप्लाई किया, चार को इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चोजन एंड दिस पी इज द प्रॉबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड। अगर हमने मान लिया दो पॉइंट चूज किया तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो हो जाएंगे 49C2, दो पॉइंट चूज। अब वो फ्रेंड हैं, इसकी क्या प्रॉबिलिटी है, तो अगर वो फ्रेंड होंगे तो वो एडजेसेंट होंगे रो वाइज, तो अगर वो पहली रो में चूज हुए हैं तो या तो ये होगा या फिर A2 A3 होगा, तो ऐसे करके 6 तरीके हो गए ये पहली रो में, फिर दूसरी रो में 6 तरीके हुए, तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 7 रो हैं और इतने ही कॉलम हैं, तो बस ये प्रॉबिलिटी आ जाएगी। दिस वॉज ऑल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन।